हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ का प्रोज का तीसरा चैप्टर द गंगा, जिसके हमारे ऑथर हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पार्ट का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन हम देख चुके हैं आप, जैसा कि लास्ट कुछ वीडियोस में आपने पढ़ा है। और फिलहाल हम इस पार्ट के लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले वाली वीडियो में हमने इसके पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज जो क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं वो भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि वो कई साल में रिपीट हुआ है, 2006 में, 2008 में, 7 में, 12 में, 11 में, और भी कई बार इसी क्वेश्चन को घुमाकर वो पूछता है। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन जो है, व्हाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना। नेहरू जी गंगा और यमुना के प्रति गहरा लगाव क्यों था? नेहरू जी का गंगा नदी और यमुना नदी के प्रति गहरा लगाव क्यों था? तो आप अगर बहुत ही वीक है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम इस पार्ट का 2 क्वेश्चन आप जरूर से याद कर ले, उसको पहले मेमोराइज करिए, आफ्टर दैट आप उसको राइट डाउन करिए, बिना विदाउट सी, बिना देखे आप उसको लिखिए 2 बार 3 बार, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा और आपके माइंड में सेट हो जाएगा। और प्लीज़ आप ये क्वेश्चन ज़रूर याद करिए, क्योंकि इस पार्ट से ज़रूर से हर 1 ईयर गैप करके क्वेश्चन पूछता ही है। तो अगर आप ये क्वेश्चन लर्न कर ले रहे हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। आंसर हमारा स्टार्ट होगा, नेहरू हैड ग्रेट अटैचमेंट विद द गंगा एंड द यमुना रिवर इन अलाहाबाद। पहला लाइन क्वेश्चन ही उतरा है, बस देखिए बहुत ईजी है। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कह रहा है, नेहरू हैड अ ग्रेट अटैच्ड विद गंगा एंड यमुना रिवर इन अलाहाबाद। गंगा और यमुना नदी कहाँ है आप सभी को पता है, अलाहाबाद में है। तो कह रहा है, नेहरू जी का इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी के प्रति बहुत लगाव था। आगे देखिए, हिज कॉन्टैक्ट विथ देम बिगैन सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। और कह रहा है कि उनका जो उससे कॉन्टैक्ट माने संपर्क था, जो लगाव था, वो बचपन से ही शुरू हो गया था। ही केप्ट कह रहा है, ही केप्ट वॉचिंग द गंगा इन ऑल मोड्स। मोड्स माने स्थिति होता है या परिस्थिति होता है। तो कह रहा है, वह गंगा के सभी परिस्थितियों में या सभी भावों को देख चुके थे या देखते रहते थे। आगे देखिए, कह रहे हैं, दिस ग्रेट रिवर हैड बीन लिंक्ड विद हिस्ट्री, रिलीजन, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर। कह रहा है कि यह महान नदी जो है इतिहास, धर्म, परंपरा और साहित्य से जुड़ी हुई है। इट इज वूवन विद द मेमोरीज ऑफ द रेस। कह रहा है, और यह जातियों की यादों से गुथी हुई है। वूवन माने वो गुथा होता है, वेवर्स माने तो उलझा हुआ है या गुथा हुआ है। इट इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड बाय द पीपल। कह रहा है, लोगों द्वारा इसको आदर दिया जाता है और प्रेम किया जाता है। लोगों द्वारा इसको प्रेम करते हैं, या फिर सीधे आप कह सकते हैं कि लोग इसे बहुत प्रेम करते हैं और इसका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। इट इज़ द सिंबल ऑफ इंडियाज वेरी ओल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन। यह भारत के बहुत ही प्राचीन साहित्य सभ्यता और साहित्य का प्रतीक है। कह रहा है कि यह भारत के बहुत ही प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है। सिंबल माने प्रतीक है। आगे देखिए, कह रहे, द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच। कह रहा है, गंगा नेहरू को ऊंचे हिमालय, जिससे वे बहुत अधिक प्रेम करते थे, उनकी याद दिलाती थी। इट आल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द वेस्ट
planes which he had been the field of his life and work. कह रहा है कि वह उन्हें विशाल मैदानों की जो उनके जीवन तथा कार्य के क्षेत्र भी हैं जहां से वो कार्य करना प्रारंभ किए हैं उनकी भी याद दिलाती है। आगे कह रहा है नेहरू फाउंड द रिवर स्माइलिंग एंड डांसिंग इन द मॉर्निंग एंड डार्क एंड मिस्टीरियस इन द इवनिंग। नेहरू जी ने नदी को कह रहा है कि नेहरू जी ने सुबह के समय में नदी को मुस्कुराते हुए और नाचते हुए पाया है और कह रहा है कि संध्या के समय पर या शाम के समय पर वो क्या हो जा रहा है कि डार्क माने अंधकार युक्त और मिस्टीरियस माने रहस्यमयी हो जाती है। द रिवर इन द नेहरूज व्यू वॉज अ मेमोरी ऑफ द लॉन्ग पास्ट ऑफ द कंट्री एंड ही वॉज प्राउड ऑफ द ऑफ दैट ग्रेट पास्ट ऑफ द पास्ट टू द लार्ज एक्सटेंट। कह रहा है कि नेहरू जी के विचार से जो गंगा नदी है देश के अतीत की यादगार थी और वह उन्हें जो है वह अपने देश के अतीत पर यानी अपने देश के भूतकाल पर जो अतीत है उनका उस पर बहुत अधिक गर्व करते थे। तो ये क्वेश्चन का आंसर था। प्लीज़ आप इस क्वेश्चन को पूरी तरह से याद कर लीजिए। अगले पार्ट में हम दो क्वेश्चन जो हमारे इस पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसे हम देखेंगे। तो इस वीडियो को आप देखते रहिए और प्लीज़ मेमोराइज करिए और आप सभी हो सके तो अपने नोट्स भी तैयार करिए अपनी लैंग्वेज में इजी जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम के टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।